नमस्कार, महुआ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुमित तिवारी। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। महुआ से इस वक्त की बड़ी खबर। अपर सत्र न्यायालय प्रथम ने सिर्फ 9 दिन में ही बलात्कार के मामले को सुनकर सुनाया फैसला। आरोपी को सुनाई 20 वर्ष और 50,000 अर्थदंड की सजा। आपको बता दें कि संभवतः ये प्रदेश का पहला मामला हो सकता है, नहीं तो महुआ जिले का ये पहला मामला है जिसमें अपर सत्र न्यायालय प्रथम विद्वान न्यायाधीश श्री रामकिशोर शुक्ल गवाहों और साक्ष्यों के गहन अध्ययन के बाद महज 9 दिन में फैसला सुनाया है। उक्त मामला थाना कबराई में गठित हुए बलात्कार पास्को के मामले में 13 नवंबर 2019 को कोर्ट में आरोप विचरित हुआ था। आरोपी करण अहिरवार पर गांव के ही नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मारपीट का मामला थाना कबराई में दर्ज हुआ था। उक्त मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह द्वारा की गई। मामला घटना दिनांक है 5/10/19 की घटना है ये, और कबरई का मामला है। करण अहिरवार है इसका अभियुक्त, जो कबरई का रहने वाला है। पीड़िता भी कबरई की रहने वाली है। अभियुक्त द्वारा पीड़िता को जबरदस्ती बला ले गया था चित्रकूट, वहाँ रखकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और उसने पीड़िता ने विरोध किया तो उसे बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा। इस मामले का प्रथम रिमांड न्यायालय में 6/11/19 को हुआ था और कोर्ट ने संज्ञान लिया था। इसके बाद इस मामले में कोर्ट द्वारा 13/11/19 को आरोप विचरित किया गया अभियुक्त के विरुद्ध और 14 तारीख से इसमें साक्ष्य प्रारंभ हुई थी। 18 तारीख को संपूर्ण एविडेंस समाप्त हो गई थी जिसमें 7 साक्षी अभियोजन की ओर से पेश किए गए, 1 बचाव पक्ष की ओर से साक्षी पेश किया गया। न्यायालय इन दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा, 20 साल का कारावास व 50,000 अर्थदंड से दंडित किया है। किस न्यायालय में ये मामला चल रहा था? ये कोर्ट नंबर 1 है। माननीय न्यायाधीश महोदय हैं श्री रामकिशोर शुक्ला जी। और इसका ट्रायल कितने दिन में पूरा? इसका न्यायालय में आरोप बनने के बाद सिर्फ 9 कार्य दिवस के में फैसला आया है। अच्छा, कितने कार्य दिवस में फैसला आने का होता है ये कोई निश्चित नहीं होता। जिस हिसाब से मामले की पैरवी हो जाती है उसी हिसाब से मामले में निर्णय आ जाता है। अब तक प्रदेश में इस सबसे पहले फैसला कितने दिनों में आया था? इस विषय में तो मुझे कोई क्लियर जानकारी नहीं है। अगर माने तो बहुत जल्दी इस केस में पूरी जो है सारे ट्रायल होके पूरे होके और जजमेंट हुआ है। हाँ, इसमें पुलिस ने और कोर्ट मोहरेर वगैरह पैरोकार ने सभी लोगों ने सहयोग किया, न्यायालय ने सहयोग किया। शासकीय अधिवक्ता के रूप में कितने जिम्मेदारी? अब शासकीय अधिवक्ता के रूप में हम ही हैं। दिनेश सिंह नाम है हमारा।